सर आपको वॉइस क्लियर आ रही है? जी सर। यूनिट 5 में हमारे कुछ टॉपिक बच गए थे जो अभी ट्रेन के पहले नहीं हो पाए थे, कुछ वो टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं आज, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक डिस्कस करते हैं जो सिलेबस में डायरेक्टली नहीं गिवन है लेकिन पॉसिबिलिटी है कि उनसे तुम्हें क्वेश्चंस मिलते हैं। आज बेसिकली हमें लाइन कोडिंग, यूपीएस के, सीपीएम यानी कंटीन्यूअस फेज मॉड्यूलेशन, एमएसके एंड क्यूए, ये चीजें हमें बेसिकली आज अवलोकन करनी है। सर क्लास ले रहे, क्लास ले रहे, ठीक है सर, अभी मैं क्लास करके फिर फोन कर रहे सर, अभी स्टार्ट कीजिए जी 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 फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने एएसके, एफएसके और पीएसके देखा था, जिसमें हम लोग हर बार बात करते थे कि अभी लाइन कोडिंग कर रहे हैं, लाइन कोडिंग कर रहे हैं, ठीक है। हमने कई सारी लाइन कोडिंग के नाम भी देखे थे कि वहाँ पे एक जगह पे एनआरजेड यूज कर लिया था, कई जगह पे हमने कहा कि आरजेड यूज करेंगे, कहीं पे हम पोलर एनआरजेड बोल रहे थे, कहीं पे हम पोलर आरजेड बोल रहे थे। तो बेसिकली हमें समझना है कि ये लाइन कोडिंग क्या, ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि जब तुम्हें डिजिटल डेटा कहीं पे ट्रांसमिट कर, लेट्स से मेरा है ये एक डिजिटल डेटा है 101010, ठीक। तो इस डेटा को तुम बेसिकली क्या करते हो, कुछ ना कुछ वोल्टेज असाइन करते हो। लेट्स से इसको हमने +5 वोल्टेज असाइन किया, जीरो को हमने -5 वोल्टेज असाइन, मीनिंग तुम इस जो बाइनरी सीक्वेंस आया है, इस बाइनरी सीक्वेंस को तुम कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें आप बाइनरी सीक्वेंस को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हो, वो बेसिकली तुम्हारा क्या कहलाता है, लाइन कोडिंग।
लाइन कोडिंग बेसिकली क्या है, तुम एक बाइनरी सीक्वेंस को इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट कर। ठीक, अब डिफरेंट मॉड्यूलेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट तरह की हमें लाइन कोडिंग रिक्वायर्ड होती है। मे बी कहीं पे कोई लाइन कोडिंग हमारी इफिशियंट है, कहीं पे हमारी कोई लाइन कोडिंग इफिशियंट है। तो अभी हम लोग ये बेसिकली जो तुम्हारी लाइन कोडिंग की इफिशियंसी होती है वो बेसिकली हम स्टडी करते हैं यूजिंग उसकी पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ठीक, तो हम अभी इतनी डिटेलिंग में नहीं जा रहे हैं कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी वगैरह हम कैलकुलेट करें। हाँ, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमें लाइन कोडिंग कौन सा लाइन कोड कहाँ पे यूज करना है, ये डिसाइड करने के लिए हम यूज करते हैं पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। ठीक, उसका जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मीनिंग उसकी जो पावर है, जो हमने बाइनरी सीक्वेंस का जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाया, उस इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट हमने एक जो हमने इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट बनाया, हमें बेसिकली देखना होगा फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसकी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी लाइन कोडिंग हम कहाँ पे यूज करें। नाउ इस लाइन कोडिंग को बेसिकली हम डिवाइड करते हैं तीन टाइप्स। फर्स्ट इज यूनिपोलर, सेकेंड इज पोलर, the last one is bipolar. जो यूनिपोलर है उसमें वन को हम पॉजिटिव वोल्टेज से और जीरो को जीरो वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। वन बाय वन समझते जाना, तो आगे जब सारे एक साथ कंबाइन करके डिफरेंट लाइन कोडिंग हम जब बताएंगे तो वो इजिली समझ में आएगी। ठीक, यूनिपोलर जहां पे लिखा है तो यूनिपोलर का मीनिंग है कि तुम जब सिंबल वन बोला जा रहा है, सिंबल वन को प्लस ए वोल्टेज से रिप्रेजेंट करना है और सिंबल जीरो को जीरो वोल्ट से रिप्रेजेंट। जब पोलर की बात आई तो पोलर में सिंबल वन को रिप्रेजेंट करना है प्लस ए वोल्ट से और सिंबल जीरो को रिप्रेजेंट करना है माइनस ए वोल्ट से। ठीक, सिंबल वन पॉजिटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट किया जाएगा और सिंबल जीरो नेगेटिव वोल्टेज। जब ये बाइपोलर है, ठीक, यहां पे थोड़ा सा ट्रिकी है। वन को हम प्लस ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और माइनस ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, यहां पे होता क्या है, देखो बाइपोलर का मीनिंग है हम इसको प्लस ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और माइनस ए से भी और जीरो को हम जीरो वोल्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, यहाँ ऐसा नहीं है कि हम इन दोनों में से कोई एक, या तो वन को प्लस ए से रिप्रेजेंट कर रहे होंगे या माइनस ए, ऐसा नहीं है। ठीक, यहाँ इस चीज से अगर केवल इतने पार्ट को देखें तो यही आएगा कि सर ये बाइपोलर का, ये तो यूनिपोलर हो गया। ठीक, एक्चुअल में बाइपोलर का मतलब क्या है, मान लो ये सीक्वेंस दिए 1 0 1 1, तो पहला वाला जो 1 आया इसको हम प्लस ए से रिप्रेजेंट करेंगे, पॉजिटिव वोल्टेज से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर जो 0 आया उसको 0 वोल्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद जो 1 आया, इस 1 के बाद जो 1 आया इसको माइनस ए से रिप्रेजेंट करेंगे। फिर अगेन जो 1 आया उसको प्लस ए से, मीनिंग अल्टरनेट वे में एक बार वन को प्लस ए से, एक बार माइनस ए से, बीच में अगर जीरो आ रहा है कहीं पर भी तो उसको जीरो वोल्ट से। जैसे अगर यहाँ पे जीरो और एक वन यहाँ और होता तो इसको हम रिप्रेजेंट करते जीरो वोल्ट से और इसको रिप्रेजेंट करते माइनस ए से। ठीक, दैट इज वाई इसको हम अल्टरनेट मास इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। ठीक, इसका फुल फॉर्म लिख लो, अल्टरनेट मास इंडेक्सिंग।
इतनी लाइन कोडिंग में इन तीनों टाइप्स में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। आप ये जो यूनिपोलर है और ये जो बाइपोलर, इनको हम दो और टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक आरजेड और दूसरा एनआरजेड। ठीक, तो ये कह के रहना जाएगा यूनिपोलर आरजेड और दिस इज यूनिपोलर एनआरजेड। सिमिलरली पोलर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, पोलर आरजेड और पोलर एनआरजेड। बाइपोलर को भी हम डिवाइड कर सकते हैं, बाइपोलर आरजेड एंड बाइपोलर एनआरजेड। अब इस आरजेड और एनआरजेड का मतलब क्या है? यहां पे आरजेड का मतलब है रिटर्न टू जीरो, और एनआरजेड का मतलब है नॉन रिटर्न टू जीरो। अब इसका मतलब क्या है? मान लो हमने एक सीक्वेंस ट्रांसमिट करनी है 10, एक बिट के लिए हमने टीबी टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया है। एक बिट के लिए हमने टीबी टाइम ड्यूरेशन डिसाइड किया, तो नॉन रिटर्न टू जीरो वो टाइप होगा जिसमें वैसे इनिशियली जब ये बिट वन का ट्रांसमिशन शुरू हुआ तब इनिशियली वन को हमने कहा हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस ए वोल्ट से, तो ये पूरे टाइम ड्यूरेशन यानी जीरो से लेके टीवी तक प्लस ए रहेगा, और जब ये बिट ड्यूरेशन खत्म होगा तब ये जीरो होगा। अगेन जीरो के लिए जीरो रहा। ठीक, अभी हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, हम बस इतना समझना चाह रहे हैं एनआरजेड क्या है, फिर हम वन बाय वन यूनिपोलर एनआरजेड यूनिपोलर आरजेड वन बाय वन देखते जाएं। ठीक, हम बस इस नॉन रिटर्न टू जीरो का मीनिंग समझने की कोशिश करें। नाउ अब अगर इसी को हम आरजेड से रिप्रेजेंट करते हैं, अगेन यहाँ पे टीपी और ये आरजेड में क्या होगा, स्टार्टिंग में लेट्स से इसका हमने प्लस ए वोल्टेज असाइन किया, लेकिन टीबी ड्यूरेशन खत्म होने से पहले, टीबी ड्यूरेशन खत्म होने से पहले ये कहीं पे जीरो हो जाएगा। टीबी ड्यूरेशन खत्म होने से पहले ये बीच में ही कहीं जीरो हो जाएगा। ये बात समझ में आई? यस सर। अब पहला हम देखते हैं यूनिपोलर एनआरजेड। देखो यूनिपोलर एनआरजेड है, यूनिपोलर की बात है, मीनिंग हम वन को रिप्रेजेंट करेंगे प्लस ए से और जीरो को जीरो वोल्ट से। प्लस ए का मतलब बस इतना सा है कि हाँ एक पॉजिटिव वोल्टेज असाइन करेंगे जब हमें सिंबल वन ट्रांसमिट करना, और जीरो असाइन करेंगे जब हमें सिंबल जीरो, ए प्लस ए वोल्ट और ये जीरो। और क्योंकि नॉन रिटर्न टू जीरो That means, ये जीरो से लेके टीवी ड्यूरेशन तक
पूरी फुल ड्यूरेशन में सेम वोल्टेज रहेगा, मीनिंग जीरो से लेकर टीवी तक, यानी पूरी एक बिट ड्यूरेशन में उसका जो वोल्टेज है वो वही रहेगा। ऐसा कहीं नहीं होगा कि बिट ड्यूरेशन खत्म होने से पहले वो जीरो पर रिटर्न हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि अगर जो हमने सिंबल वन ट्रांसमिट किया है, अगर हमने सिंबल वन ट्रांसमिट किया है और इनिशियली हमने उसको प्लस ए वोल्टेज दिया है, तो ये प्लस ए वोल्टेज कब तक मेंटेन रहेगा? जब तक उस बिट का बिट ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखो, हमने वन ट्रांसमिट किया, वन के लिए हमने प्लस वी वोल्ट, प्लस वी वोल्ट लेस से हमने वन के लिए डिसाइड किया। तो जीरो से लेके टी इज इक्वल टू, जीरो से लेके टी इज इक्वल टू टीवी तक पूरे बिट ड्यूरेशन इसका वोल्टेज कितना है? वन, फिक्स है ये। ठीक, देखो यहां जो ये क्लॉक दिखाई दे रही है इसका तुम्हें अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक, इन जनरल क्योंकि डिजिटल डेटा की जब लाइन कोडिंग करते हैं तो उसके लिए हम डिजिटल सर्किट्स यूज करते हैं, और हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम ये देख चुके हैं कि हाँ भाई, कोई भी डिजिटल सर्किट अगर हमें वर्क कराना है, ठीक, तो वो डिजिटल सर्किट में हो सकता है तुम्हें क्लॉक अप्लाई करनी पड़े। ठीक, तो ये जब लाइन कोडिंग कर रहे होते हैं तो वहां पे भी हमें डिजिटल सर्किट को वर्किंग कराने के लिए क्लॉक अप्लाई करनी होती है, तो वही यहाँ पे क्लॉक बनी हुई है। ठीक, तुम्हें अभी इस क्लॉक से कोई मतलब नहीं है, सिंपली एनआरजेड है तो पूरे बिट ड्यूरेशन में सेम वोल्टेज रहा है। फिर जीरो को रिप्रेजेंट करेंगे जीरो वोल्ट, अगेन वन को रिप्रेजेंट किया प्लस वी वोल्ट से, और फुल ड्यूरेशन में ये प्लस वी वोल्ट रहा। वहीं अगर यूनिपोलर का आरजेड हम देखते, ठीक, तो देखो ये इसका बिट ड्यूरेशन है पूरा टीबी, और उस बिट ड्यूरेशन को कंप्लीट करने से पहले ही यहां वो रिटर्न टू जीरो हो गया। यहाँ पे ये पूरा बिट ड्यूरेशन था, और बिट ड्यूरेशन कंप्लीट करने से पहले ये जीरो हो गया। अगेन जीरो वोल्ट, जब सिंबल जीरो ट्रांसमिट करना है तब तो वो जीरो ही रहता है, तो कोई बात ही नहीं। अगेन जब सिंबल वन ट्रांसमिट कर रहे हैं तो हमें पता है सिंबल वन को हम प्लस वी वोल्ट से ट्रांसमिट करेंगे, और क्योंकि ये रिटर्न टू जीरो है तो मिड में कहीं पे ये जीरो हो जाएगा, मतलब बिट ड्यूरेशन खत्म होने से पहले कहीं पे ये जीरो हो जाएगा इन जनरल। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ इसको मिड में ही एग्जैक्टली खत्म करना है, बट क्लियरली हमारा फिगर जब हम अगर मान लो कहीं पे लाइन कोडिंग हमें बनाने को आती है तो वो लाइन कोडिंग प्रॉपरली रहे, प्रॉपरली समझ में आए कि ये रिटर्न टू जीरो है और दूसरा नॉन रिटर्न टू जीरो है, उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि मिड में ही इसको जीरो हो जाए। ठीक, तो यानी टीवी बाय टू के बाद इसको हमने क्या किया, रिटर्न टू जीरो करा दिया। ये बेसिकली क्या है, यूनिपोलर आरजेड। ठीक, हमने वोल्ट, देखो सिंबल को कौन सा वोल्टेज असाइन करना है ये यूनिपोलर से डिसाइड किया। फिर क्योंकि ये रिटर्न टू जीरो था इसलिए हमने डिसाइड किया कि हाँ भाई, ये मिड में कहीं पे पूरा बिट ड्यूरेशन कंप्लीट करने से पहले ही ये जीरो हो जाएगा। जो भी वोल्टेज हम वन के लिए असाइन करेंगे वो वोल्टेज खत्म होकर जीरो हो जाएगा। ठीक, ये बिट ड्यूरेशन खत्म होने से पहले ही रिटर्न टू जीरो हो रहा है, इस वजह से इसको आरजेड बोल रहे हैं, और यहाँ पे एनआरजेड में क्योंकि पूरे बिट ड्यूरेशन में वो जीरो पे रिटर्न नहीं कर रहा है, जो वोल्टेज हमने दिया है उसी को मेंटेन किए हुए, इस वजह से इसको हम एनआरजेड। नेक्स्ट इज
पोलर एनर्जी। अब देखो जैसे ही तुमने देखा पोलर, तुम्हें समझ में आ गया कि भाई प्लस ए वोल्ट हम असाइन करेंगे वन सिंबल को, और माइनस ए हम असाइन करेंगे जीरो को। ठीक, पोलर सुनते ही तुम्हें समझ में आना चाहिए प्लस ए वोल्ट हम असाइन करेंगे सिंबल वन को और माइनस ए वोल्ट हम असाइन करेंगे जीरो सिंबल। ठीक, तो यहाँ अगेन इसको मैं देखना है। ठीक, वन ट्रांसमिट कर रहे थे तो प्लस वी वोल्ट दिए। अब क्योंकि ये नॉन रिटर्न टू जीरो है तो ये प्लस वी वोल्ट पूरे बिट ड्यूरेशन में कॉन्स्टेंटली रहे। फिर जीरो आया, नेक्स्ट सिंबल आया, तो नेक्स्ट सिंबल में जीरो को हमने क्या दिया है माइनस ए वोल्ट, तो एब्रप्टली यहाँ पे वोल्टेज चेंज हुआ और ये पहुंच गया माइनस बी वोल्ट। क्योंकि ये नॉन रिटर्न टू जीरो है इस वजह से ये माइनस वी वोल्ट पे पूरे बिट ड्यूरेशन में कॉन्स्टेंट। वहीं अगर हम आरजेड की बात करें तो ध्यान से देखो यहां पे भी प्लस ए या प्लस वी वन को दिया गया है और माइनस वी जीरो को दिया है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये रिटर्न टू जीरो है तो विद इन दिस टाइम ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट होने से पहले ये देखो यहां पे जीरो हो गए। ठीक, फिर ये जीरो अपने आप को मेंटेन कर रखता है कब तक, जब तक ये ड्यूरेशन कंप्लीट हो जाती है। जैसे ही ड्यूरेशन कंप्लीट हुई ठीक, अब हमें ट्रांसमिट करना है जीरो, तो हमें पता है जीरो को कैसे ट्रांसमिट करेंगे माइनस वी वोल्ट से, तो हमने असाइन किया माइनस वी वोल्ट। अब ये माइनस वी वोल्ट कुछ देर तक रहा, ठीक, बिट ड्यूरेशन टीबी कंप्लीट होने से पहले ये फिर से जीरो हो गया। ठीक, अगेन फिर जीरो तक रहा जब बिट ड्यूरेशन कंप्लीट हो गए, वन ट्रांसमिट करना था, जब वन ट्रांसमिट करना था तो वन मतलब प्लस वी वोल्ट, जिसको हमने प्लस वी वोल्ट असाइन किया। ये प्लस वी वोल्ट कुछ देर के लिए रहा, कुछ टाइम बाद बिट ड्यूरेशन कंप्लीट होने से पहले ये जीरो हो गया। फिर जीरो मेंटेन रखा जब तक वन ट्रांसमिट हो रहा था, फिर जीरो के लिए माइनस वी वोल्ट। ठीक है, आरजेड और एनआरजेड का मीनिंग समझ में आया? जी सर। अब आते हैं बाइपोलर। बाइपोलर में हमने तुम्हें क्या बताया कि भाई देखो पहला वन जब आएगा, बाइपोलर में हमने क्या कहा कि भाई जब पहला सिंबल वन आएगा तो हम उसको प्लस वी वोल्ट असाइन करेंगे। ठीक, और उसी के कॉन्सिक्यूटिव उसी के जस्ट बाद या उसके बाद जीरो आ रहा है उसके बाद, मीनिंग अल्टरनेटली एक बार वन को पॉजिटिव वोल्टेज असाइन करेंगे और एक बार नेगेटिव वोल्टेज। ठीक, तो लेट्स से यहां पर जो वन जीरो वन जीरो जीरो वन वन सिर्फ ये बेसिकली हमें सीक्वेंस ट्रांसमिट कर दी। ठीक, तो जो मेरा ये सीक्वेंस है जीरो वन जीरो जीरो वन 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 जीरो, जब ये वाला वन जाएगा तो
ये वन क्या होगा प्लस पी, ठीक। इसके बाद जो वन एग्जिस्ट कर रहा है यानी ये, इसको हम देंगे माइनस पी। फिर तीसरा जो वन एग्जिस्ट करेगा प्लस वी वोल्ट, चौथा माइनस वी वोल्ट, फिर पांचवा प्लस वी वोल्ट, ठीक। और ये जो जीरोस है, जब हमको सिंबल जीरो ट्रांसमिट करना होगा तो इन सब को हम क्या करेंगे जीरो, ठीक। ये तो हो गया कि बाइपोलर को कैसे यूज करें, ठीक। उसके बाद आरजेड एनआरजेड का वही रूल कि जो भी वोल्टेज आपने वन को असाइन किया है वो अगर पूरे फुल बिट ड्यूरेशन में सेम कांस्टेंट रह रहा है तो वो आरजेड है, सॉरी तो वो नॉन एनआरजेड, ठीक। इन केस इन बिटवीन कहीं पे बिट ड्यूरेशन खत्म होने से पहले वो जीरो हो गया, इन जनरल कह सकते हैं कि अगर मिड ऑफ द बिट ड्यूरेशन, ठीक, बिट ड्यूरेशन के बीच में ही कहीं पे वो जीरो हो रहा है, ठीक, जीरो पे रिटर्न कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं रिटर्न टू जीरो। क्या देखो, पहला वन आया प्लस वी वोल्ट दिया हमने, जीरो सिंबल आया उसको जीरो वोल्ट दिया, ठीक। दूसरा वन जब एग्जिस्ट किया करेगा तो उसको माइनस वी वोल्ट देंगे, फिर उसके बाद दो जीरो हैं उनको हमने जीरो वोल्ट असाइन किया, ठीक। अगेन वन आया तो प्रीवियस स्टेट में जो वन था उसको हमने देखा वो माइनस वी वोल्ट था, तो ये प्लस वी वोल्ट। अब ये प्लस वी वोल्ट था तो उसके बाद वाला माइनस वी, इसको माइनस, तो ये प्लस। अल्टरनेटिवली हम प्लस और माइनस वोल्टेज असाइन कर रहे हैं वंस, ठीक। अगेन यहां पर बाइपोलर आरजेड मीनिंग अभी तक पूरे बिट ड्यूरेशन टीवी में वोल्टेज जो भी असाइन किया गया वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अब क्या हो रहा है इस बिट ड्यूरेशन में हमने पॉजिटिव वी असाइन किया प्लस वी वोल्ट असाइन किया हमने, सिंबल वन को कुछ देर के लिए तो प्लस वी रहा, उसके बाद वो जीरो। इन जनरल हम कह सकते हैं टीवी बाई टू पे वो जीरो हो गए, फिर जीरो मेंटेन रहा, फिर क्योंकि जीरो सिंबल जीरो ट्रांसमिट किया जा रहा है और सिंबल जीरो को हम जीरो वोल्ट देते हैं तो हमने अगेन इसको जीरो पे ही रखा। उसके बाद वाला जो वन आया हमें पता है उसको माइनस वी वोल्ट असाइन करना है तो उसको माइनस वी वोल्ट असाइन कर दिया। ये माइनस वी वोल्ट कुछ देर तक रहा उसके बाद ये जीरो पे रिटर्न कर गया, कहां चला जाएगा देखो, इस अगर ये टीवी है तो ये मिड वैल्यू होगी टीवी बाय टू। इन जनरल हम मिड वैल्यू पे ही मान के चलते हैं, रिटर्न टू जीरो वाला जो परफॉर्म हो रहा है, रिटर्न टू जीरो जो परफॉर्म हो रहा है, इन जनरल हम मानते हैं कि वो मिड वैल्यू पे बिट ड्यूरेशन के मिड वैल्यू पे ही जीरो हो रहा है। क्लियर? हेलो, हाँ बेटा। सर ये कंपलसरी है कि जो फर्स्ट सिंबल लेंगे उसे हम पॉजिटिव वोल्टेज ही दें? नहीं, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, ये कोई कंपलशन नहीं है, ठीक है। बस कंपलशन इतना है कि अल्टरनेटिवली तुम्हारे जो वंस आ रहे हैं उनमें तुम वोल्टेज को चेंज करते जाओ। ओके सर। एक बिट ड्यूरेशन लिख लो 10
10 ट्रिपल 1 0 0। इन इस बाइनरी सीक्वेंस का तुम्हें यूनिपोलर आरजेड, एनआरजेड, पोलर आरजेड, पोलर एनआरजेड, बाइपोलर आरजेड, बाइपोलर एनआरजेड, ये सारे एक बार खुद से ट्राई कर। अगर कहीं कुछ डाउट होता है तो वो डाउट क्लियर करें। अच्छा, इनके अलावा जो भी हम लोगों ने 6 टाइप की लाइन कोडिंग देखी, इनके अलावा भी कुछ लाइन कोडिंग्स होती है, स्पेशल टाइप ऑफ लाइन कोडिंग। आई गेस तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं एनआरजेड इन्वर्टेड डिफरेंशियल कोडिंग। एनआरजेड इन्वर्टेड डिफरेंशियल कोडिंग, ये कोडिंग हम इन जनरल इसलिए करते हैं जहां पे हमें ये फाइंड आउट, ये देखना हो रिसीवर केवल इस चीज में ज्यादा फोकस हो कि भाई जब नंबर ऑफ वंस अकर करें तो इन्फॉर्मेशन हमको डिलीवर। ठीक है, मीनिंग इन्फॉर्मेशन केवल सिंबल वन में अकर कर रही है, सिंबल जीरो से उसको मतलब नहीं है। तो इस टाइप का जब ये जो है एनआरजेड इन्वर्टेड डिफरेंशियल कोडिंग, इसमें हम क्या करते हैं, सिंबल वन को अगेन प्लस वी और माइनस वी दोनों दे सकते हैं। ठीक, और जीरो के लिए हम कोई भी स्पेसिफिक वोल्टेज असाइन नहीं करते। वन के लिए प्लस वी और माइनस वी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जीरो के लिए कोई भी स्पेसिफिक वोल्टेज असाइन नहीं करते। ये जीरो बेसिकली इस जीरो की जो वैल्यू है, मतलब इलेक्ट्रिकल जो वैल्यू है, इसका जो इलेक्ट्रिकल एम्पलीट्यूड होगा वो बेसिकली डिपेंड करेगा उसके प्रीवियस में, इस जीरो के आने से पहले, जस्ट पहले जो भी वंस अकर कर रहा है, जो भी वन अकर कर रहा है उसका वोल्टेज कितना। मतलब अगर मेरे पास ये सीक्वेंस है 1 0 1 1 0, तो पहले वन को लेट्स से हमने प्लस वी वोल्ट असाइन। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद जीरो आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं, कोई फर्क नहीं, वही प्लस वी वोल्ट असाइन कर। ठीक, अगेन जब वन आए तो ये क्या करेगा, प्लस वी से माइनस वी पे चेंज होगा। अगेन फिर वन आ रहा है तो माइनस वी से प्लस वी पे अपने आप को चेंज कर। फिर जीरो को जीरो ही बना, जीरो जब आ रहा है तो उसको फर्क नहीं पड़ता जीरो आने से, जो भी वोल्टेज है उसी को वो मेंटेन रखेगा। अल्टरनेटिवली जब वन अकर कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, पहले वन को अगर उसने प्लस वी वोल्ट असाइन किया है तो दूसरे वन को माइनस वी असाइन कर रहा है। अगेन वन आया फिर उसने अपने आप को स्विच किया। ठीक, मीनिंग जो तुम्हारी एनआरजेड इन्वर्टेड डिफरेंशियल कोडिंग है, इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, वन अकर करने पे वोल्टेज इन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, वोल्टेज जो भी असाइन किया है तुमने वन सिंबल वन को, वो इन्वर्ट हो जा रहा है हर दूसरे, जब अल्टरनेटिवली जब वंस अकर कर रहे हैं तो तुम्हारा जो वोल्टेज है वो चेंज होता जा रहा है। एक टाइम प्लस वी वोल्ट है, फिर माइनस वी वोल्ट, ऑल
सिमिलर है जैसे तुम्हारा बाइपोलर एएमआई था, ठीक, वहां पे भी अल्टरनेटिवली हम एक बार हमको प्लस वी वोल्टेज यूज कर रहे थे और एक बार माइनस वी वोल्टेज यूज कर रहे थे। दोनों में डिफरेंस क्या है, वहां पे सिंबल जीरो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जीरो वोल्ट असाइन करते थे, जबकि यहां पर हमें फर्क नहीं पड़ता कि जीरो अकर कर रहा है, जीरो भी अकर करने पर भी हम अपना वोल्टेज सिमिलर ही रखते हैं। नेक्स्ट एएमआई कोडिंग यहाँ पे एक दी हुई है, ये कुछ और नहीं बाइपोलर की, जब बाइपोलर एनर्जेट जो है उसी को हम एएमआई कोडिंग भी बोलते हैं। उसके बाद ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट मैनचेस्टर कोडिंग, नेक्स्ट जो है वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है मैनचेस्टर कोडिंग। ध्यान से समझना, जब वन ट्रांसमिट होता है तो हाफ ऑफ द बिट ड्यूरेशन टीवी बाय टू तक प्लस वन रहा। एक काम करूं, मीटिंग को रीजॉइन।